क्यों आए हो? तुमसे मिलने नहीं आया। तुम शायद भूल रहे हो तुम मेरे घर में खड़े। मैं जानता हूं, लेकिन मैं फिर भी तुमसे मिलने नहीं आया। हाजिर एक्सक्यूजेस मत बनाओ, हमारे बीच में अब कुछ नहीं रहा। सब आ रहा, मैं अंकल से मिलने, इनफैक्ट मैं अंकल आंटी दोनों से मिलने आया। प्लीज, मेरी जिंदगी में पहले बहुत तमाशा हो चुका है। ये जिंदगी एक तमाशा, एक खेल है, और ये खेल पता नहीं हमारी जिंदगी में क्यों शुरू हुआ। हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी। मैं इस खेल का हिस्सा नहीं हूँ, समझ आइए। प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा ना, मैं तुमसे मिलने नहीं आया, अंकल आंटी से मिलने आया। अगर वो अपने मुंह से कहेंगे तो मैं चला जाऊंगा। खुदा का वास्ता है, मेरी जिंदगी और खराब मत करो प्लीज। तुम्हें अगर मेरी इज्जत का जरा सा भी ख्याल है ना, यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे लगेगा तो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर। इमोशनली ब्लैकमेल? तुम सोच भी कैसे सकती हो यार। लिसन ऐसे, मेरे घर वालों को ना हमारी पिछली मुलाकात का भी नहीं पता, और तुम जानते हो मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ। पहले बहुत कुछ हो चुका है, मैं नहीं चाहती कि उनका उस पर से एतमाद उठ जाए। प्लीज, लास्ट टाइम तुम मिले तुमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की अपनी मम्मी को लेके, फाइन। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहती हूँ, मैंने अपने बाबा से बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरे आइडियल हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और मैंने अपना दोस्त खो दिया सिर्फ तुम्हारी वजह से। I'm sorry, yes. Sorry for what? तुमने सॉरी बोला और हो गया? मुझे मेरा दोस्त वापस मिल जाएगा? कितने शर्मिंदा हो गया। तुम्हारी मामा पता है यहाँ क्या क्या कह गई है? तुम्हारी बेटी आवारा है, एक बाप के लिए ये सुनना बहुत मुश्किल होता है, और मेरे लिए ना मेरी फैमिली सबसे बढ़कर है। बाहर में गए मेरे जज्बात, मैं क्या सोचती हूँ, मुझे क्या लगता है किसी के बारे में, मैं ये नहीं सोचती। शर्मिंदगी हो रही है उन्हें मुझे बेटी कहते हुए। बेटा थी मैं उनकी, मां थी, सब कुछ थी। प्लीज मेरी जिंदगी और मुश्किल मत करो, यहां से चले जाओ। पता, मैं अगर उनका बेटा होती ना, एक थप्पड़ मार के मुझे सीधा कर देती। बेटी हूं ना कि बेबसी, देखो बेटी पे हाथ भी नहीं उठा सकती। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, सीरियसली। शायद तुम नहीं समझ सकते, तुम बेटे हो। प्लीज जाओ यहां से, प्लीज। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं यहाँ तुमसे बात करने नहीं आया था, लेकिन अब बात छेड़ी गई है तो सुनो। ये हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये क्लियर होनी चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग ही कब थी हमारे बीच में? एक वाकया था जिसके जिम्मेदार तुम हो। ठीक है, मैं मानता हूँ हमारे बीच में कोई अफेयर नहीं था, ना ही हम कॉलेज यूनिवर्सिटी फेलो हैं, लेकिन फिर इन सब बातों का मतलब क्या है? हमारी अरेंज मैरिज होने जा रही थी यार, मेरी मॉम को तुम पसंद थी, और एक वाकये ने तुम्हें मेरे दिल तक। अब मॉम गुस्से की तेज है, उनका गुस्सा कंट्रोल में नहीं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर है? क्यों मिले इस तरह से मुझे? इत्तफाक था यार, शायद मोहब्बत की इब्तिदा, और मुझे नहीं पता इसकी इंतहा कब होनी है, इसलिए मैं तुम्हें दोबारा कह सकता हूँ कि I'm sorry, I'm really sorry. Please, please, तुमने मुझे अपने लफ्जों के जाल में नहीं फंसा सकते, please. यार तुम्हें लगता है कि मैं ये मकालमेबाजी कर रहा हूँ तुमसे? मुझे मेरी फैमिली की नजरों में और मत गिराओ, मैं ये कहना चाह रही हूँ। रही हमारे रिश्ते की बात, लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, सब होता है, ये जिंदगी का दस्तूर है। हमारा रिश्ता? हाँ, तुमने तो मोहब्बत का इकरार कर लिया। मैंने कोई इकरार नहीं किया, तुम प्लीज यहाँ से जाओ। मोहब्बत की प्लीज गो, जस्ट गो। ओके, रिलैक्स, रिलैक्स। अंकल, मुझे आपसे कोई बात करनी थी। मैं सब जान चुका हूं। खुदा हाफिज। Pick up the phone, yaar. Pick up the phone, I need to talk. मोहब्बत बताने या जतलाने के लिए नहीं होती, मगर जब हो जाए तो बताए बगैर रहा भी नहीं जा सकता। तुम्हारी नाराजगी से मुझे लगता है कि जैसे जैसे पूरी कायनात मुझसे नाराज हो। अगर तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो
प्लीज पिक अप माई फोन। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में गुंजाइश है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा आज? जब तुम मेरा नाम लेती हो ना तो कितना अच्छा लगता है। ऐसे सच पूछो ना तो मेरा कोई प्रॉब्लम है नहीं अलावा तुम्हारे। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि कुछ नहीं चाहते। तुम्हारा हो गया दिमाग खराब। मैं तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं हूँ, समझ आएगी? अरे जिस बारे में तुम जानती नहीं हो उसका दावा कैसे कर सकती हो? नहीं देखो, जैसे तुम मेरी हो तो तुम्हारे प्रॉब्लम्स मेरे क्यों नहीं हो सकते? आज से तुम क्यों इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हो सबको? अरे हेलो, मैं कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ? मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा। फिलहाल तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ हो ना हो तुम्हारे घर का मसला ठीक हो जाए। लिसन आज़े, तुम ठेकेदार बने हो मेरे घर के? ये अच्छी अच्छी बातें करके तुम मेरी हमदर्दी नहीं ले सकते, समझे? मैं तुम्हारी हमदर्दी ले रहा हूँ सिर्फ? मेरे जज्बात को हल्का ले रही हो मैडम? तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारी बातें सुन के कहूं कि वाह कितना पॉजिटिव बंदा है। मैंने उसे हवालात में बंद करवाया, 3 दिन की सजा दिलवाई, इतनी तकलीफ मेरा, इसके बावजूद वो मेरी फिक्र कर रहा है। लाइक रियली मैन? फिलहाल तुम जो भी समझो लेकिन सिर्फ पांच मिनट दे दो मुझे प्लीज। 5 मिनट तो है ना तुम्हारे पास? सोच लो, 5 मिनट्स, सिर्फ 5 मिनट्स होंगे तुम्हारे पास। सोच लिया।